अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर फॉलोड बाय सम सूटेबल यूनिट। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को लिखने के लिए हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। द नंबर वन इज फिगर, नंबर, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, एंड द सेकेंड वन इज यूनिट। क्लियर हो गया? एवरी मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड इट्स ट्रू वैल्यू। जब हम रेगुलरली कोई भी या लेबॉरेटरी में हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास आए उस मेजरमेंट की, उस क्वांटिटी की। अब उस फिज़िकल क्वांटिटी की एक्यूरेसी, उसकी ट्रू वैल्यू, उसकी एक्यूरेट वैल्यू जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? द एक्यूरेसी इन मेजरिंग अ फिज़िकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें कि हमने एक स्टूडेंट की, एक पर्सन की हाइट फाइंड आउट करनी है, हाइट उसकी हमने मेजर करनी है, उसके लिए हमारे पास क्या क्या यूनिट और क्या क्या न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगा। उस क्वांटिटी को लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास हमने क्या लिखना है? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, कुछ नंबर्स में वैल्यू, देन उस लेंथ का, हाइट का, लेंथ का यूनिट आएगा मीटर। क्लियर हो गया? अब वो कह रहा है कि अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए, हमें एक्यूरेट आंसर चाहिए, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होगा। द नंबर वन इज द क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं फॉर मेजरिंग द हाइट, लेंथ, उसकी क्वालिटी कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर इंचेस टेप यूज़ कर रहे हैं तो वो ठीक भी है या नहीं, उस पर जो इंचेस, कोई जो फाइन लाइंस लगी हुई हैं हमारे पास मेजरिंग के लिए, वो ठीक भी हैं या नहीं। द सेकेंड इज़ द स्किल ऑफ द ऑब्ज़र्वर। जो ऑब्ज़र्वर है, जो आपकी हाइट मेजर कर रहा है, उसकी स्किल्स कैसी हैं, वो ठीक भी मेजरमेंट कर रहा है या नहीं, उसको कैलकुलेशंस आती भी हैं या नहीं आती, उसको इंचेस टेप पढ़नी भी आती है या नहीं। देन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड, कितनी दफ़ा उसने मेजर किया और हाइट सेम ही आई, हाइट वही आई जो एक दफ़ा उसने काउंट की, दूसरी दफ़ा की, तीसरी दफ़ा की, कितनी दफ़ा वो काउंट करता है, हाइट को मेजर करता है और उसके पास आंसर सेम आता है। क्लियर हो गया? फॉर एग्ज़ाम्पल, अ स्टूडेंट मेजर्स द लेंथ ऑफ अ बुक एज 18 सेंटीमीटर यूजिंग अ मेजरिंग टेप। अब एक स्टूडेंट है, उसने एक बुक की लेंथ मेजर की है जो कि है 18 सेंटीमीटर। अब इसमें अगर देखा जाए तो उसके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कौन से होंगे? वो 18 मतलब 2 होंगे। ठीक हो गया? लेकिन इन दो में से जो पहला डिजिट है 1, वो एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, क्योंकि वो हमें श्योर है कि 10 की लाइन में ही इसका आंसर होगा, इसकी हाइट होगी। वाइल द डिजिट 8 इज़ द डाउटफुल डिजिट फॉर विच द स्टूडेंट मे नॉट बी श्योर। जबकि 8 वाला डिजिट जो है वो हमारे पास डाउटफुल डिजिट होगा। इट मीन्स के इट माइट पॉसिबल कि वो हाइट जो है वो 17 हो, 17.5 हो, या 18 हो, माइट पॉसिबल 18.5 या 19 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो इट मीन्स जो सेकंड वाला डिजिट है वो हमारे पास डाउटफुल डिजिट आएगा। एंड अदर स्टूडेंट मेजर्स द सेम बुक यूजिंग अ रूलर एंड क्लेम्स इट्स लेंथ टू बी 18.4। अब इन दिस केस ऑल थ्री फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। अब इस केस में भी हमारे पास तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन जो पहले दो हैं 1 और 8 वो एक्यूरेटली नॉन डिजिट होंगे, और जो थर्ड वन है वो हमारे पास 4 जो लिखा हुआ है वो हमारे पास डाउटफुल डिजिट होगा, क्योंकि स्टूडेंट उसके बारे में ख़ुद भी श्योर नहीं है। एक थर्ड स्टूडेंट है, उसने भी लेंथ रिकॉर्ड की और उसने लिख ली लेंथ उसकी 18.425 सेंटीमीटर। इंटरेस्टिंगली उसने भी उसी सेम रूलर के साथ उसकी मेजरमेंट की। अब हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज अगेन 3, कंसिस्टिंग ऑफ 2 एक्यूरेटली नोन डिजिट्स,
1, 8 एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट 4, जबकि ये जो बाकी दो डिजिट्स होंगे ये हमारे पास नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। क्यों? क्योंकि हमें उस रूलर के ऊपर पॉइंट्स के बाद इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं दी होती। 18.4, 18.5, 18.6 ये तो दी होंगी, लेकिन 18.425 ये वाली वैल्यूज़ नहीं दी होती, नहीं अवेलेबल होती। दैट्स वाई वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। क्लियर हो गया? इसका मतलब कि मेजरमेंट अप टू थर्ड और इवन सेकंड डेसिमल प्लेस इज़ बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट बाय यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड रिजल्ट। इसका मतलब अगर हम बेटर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे अपने मेजरमेंट के लिए तो हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, एक्यूरेट रिजल्ट्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। हमारे पास आगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन आ जाती है। द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल द डिजिट्स दैट आर नोन एक्यूरेटली एंड द वन एस्टिमेटेड डिजिट। मोर सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स ग्रेटर प्रिसीजन। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इट मीन्स उतनी ज़्यादा हमारे पास एक्यूरेट प्रिसाइज वैल्यू होगी। अब आगे हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो हमें हेल्पफुल हैं इन आइडेंटिफाइंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं आप और एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करने हैं। द नंबर वन इज़ नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। किसी भी वैल्यू में जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं मतलब 1, 2, 3, 4 एंड ऑनवर्ड वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। ज़ीरोज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान अगर ज़ीरोज आ रहे हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट ही कंसिडर होंगे। फाइनल और एंडिंग ज़ीरोज ऑन द राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। व्हाट डज इट मीन नाउ? अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन वाली, डेसिमल फ्रैक्शन वाली, पॉइंट वाली वैल्यू है तो उसमें जो लास्ट पे, एंड पे जो ज़ीरोज़ होंगे, जो फाइनल ज़ीरोज़ होंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या है? ज़ीरोज़ रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पज़ ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। किसी भी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू में, डेसिमल फ्रैक्शन वाली वैल्यू में जो ज़ीरोज लेफ्ट साइड पे लिखे होंगे फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिंग वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इन होल नंबर्स दैट एंड इन वन और मोर ज़ीरोज विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। अब अगर हम होल नंबर्स की बात करें जिसमें पॉइंट या डेसिमल फ्रैक्शन नहीं आता, उसके लास्ट पे जो ज़ीरोज होंगे एक या एक से ज़्यादा, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इन सच केसेस इट इज़ नॉट क्लियर विच ज़ीरोज सर्व टू लोकेट द पोजिशन वैल्यू एंड विच आर एक्यूरेटली द पार्ट्स ऑफ द मेजरमेंट। इन सच केसेस हम क्या करते हैं? हम एक्सप्रेस करते हैं उस क्वांटिटी को विद साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था उसकी हेल्प से हम फिर उन सिग्निफिकेंट ज़ीरोज को फाइंड आउट करते हैं विद सम पावर ऑफ 10। क्लियर है बच्चों? उसके अलावा आपको ये एक रूल्स दिए गए हैं विद एग्जांपल्स। जो रूल्स आपको ऊपर मैंने डिफाइन किए हैं वो विद एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसा कि पहला बताया था कि उसमें क्या है, जितने सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो हैं वो होंगे सिग्निफिकेंट। क्लियर हो गया? सेकेंड में हमने क्या बात की? ज़ीरोज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट। लाइक 2705 वैल्यू है तो उसमें ज़ीरो जो अंदर है वो सिग्निफिकेंट डिजिट ही होगा। इसी तरह आगे भी एग्जांपल्स दी गई हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी हैं। क्लियर हो गया बच्चों? इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपकी बुक में सॉल्व हुई हुई हैं। क्लियर है? आपको मैंने ऊपर टॉपिक समझा दिया है, ये आपको इजीली एग्जांपल्स इनकी समझ में आ जाएंगी। फिर भी इसके अलावा अगर आपको कोई क्यूरी होती है, आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछें, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक ही था, सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। कल इंशाल्लाह हम एमसीक्यूज़ इसके देखेंगे,
देन हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे. क्लियर है स्टूडेंट्स? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात होती है. अल्लाह हाफिज़.